पूरे देश में तो फैल ही रहा, सही बात है। अपने यहाँ का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है कोई पॉजिटिव ओमिक्रॉन का। हमने परसों भी रात में कहा था अपर मुख्य सचिव को कि भाई अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है और आप लोग बताते रहे हैं कि 5 से 7 दिन में रिपोर्ट आता है, आज हो गया 22-25 दिन, तब से जांच हो रहा है। तो वही सबसे फिर बात किया कि देखिए ना, हमको अभी तक रिपोर्ट भेजा नहीं है, हम तुरंत बात करते हैं। तो बात किया, अफसरदासपुर एक न्यूज़ में आया है कि अभी बिहार वाला नहीं मिला, तो भी तो एक अलग बात है, लेकिन सब जगह तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, और दूसरे राज्यों में भी देशों में भी फैल ही रहा है, तो हम लोग को तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, मैंने अपने देश का थर्ड फेज हो सकता है, और अन्य जगहों का तो ये कोई का फोर्थ है, कोई का फिफ्थ है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो तीसरा होगा ही। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है, और पूरे तौर पर हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है और काफ़ी हर तरह से तैयारी भी है कि अगर कुछ बढ़ेगा तो लोगों के ट्रीटमेंट का, तो हर चीज़ के लिए पूरा का पूरा रखा गया। हालांकि अभी भले ही नहीं हो, लेकिन कौन जानता है कब निकलना शुरू हो जाए। और देखते हैं ना, टेस्ट कितना करवा रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा टेस्ट हम लोग बिहार में करवा रहे हैं, प्रतिदिन जितना टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग, तो आज आप देख लीजिए कि 10 लाख में जितना टेस्ट देश का एवरेज है, उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का हो गया टेस्ट। अब हम लोगों का समझिए कि 5 लाख से ऊपर चला गया है।